नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल, आप देख रहे हैं फैमिली रिएक्शन और ये मेरी माताजी। नमस्ते, हम रिएक्ट करने वाले हैं ओजी के टीजर पे। तो बेसिकली भाई इसके अंदर जो मेन लीड रहने वाले वो है भाई हमारे पवन कल्याण, जो कि साउथ कैरेक्टर है। और भाई इसका टाइटल ही पूरा ऐसा है भाई, हंगरी चीता करके ओजी ग्लिम्स, भाई ग्लिम्स बोल सकते हैं उसको। तो भाई काफी अच्छा टीजर आने वाला है। और भाई बंदे अभी मैंने देखा था भाई लाइव चल रहा था, तो भाई काफी ज्यादा वॉचिंग भी आ रही थी इनकी, और काफी ज्यादा बंदे लोग इनके लिए मतलब वेट कर रहे हैं कि यहाँ पे कितनी जल्दी इनका इनका टीजर आए। तो भाई टीजर आ चुका है भाई, देखेंगे भाई क्या कह रहे हैं वीडियो में। तो बिना जल्दी करते हैं स्टार्ट। పదేళ్ల క్రితం బాంబేలో వచ్చిన తుఫాన్ గుర్తుందా? అది మట్టి చెట్లతో పాటు సగం ఊర్ని ఉంచేస్తుంది. కానీ వాడు నరికిన మనుషుల రక్తాన్ని మాత్రం అలాంటోడు మళ్ళీ తిరిగి వస్తున్నాడు అంటే अच्छा दिखने लगा था। और भाई ये वाकई में ना मतलब अंडरवर्ल्ड जो होता है ना, जो मतलब मुंबई के अंदर जो जिस तरह बदमाशी चलती है उसके ऊपर दिखा रखा है। और पवन कल्याण भी शायद उनमें से एक के किसी को ना कहते गैंग चलाता है शायद, उसके ऊपर दिखा रखा है ना देखने में। मतलब काफी खून खराब है इसके अंदर, साउथ पिक्चर में रहता है ये भाई एक्शन वगैरह रहता है। तो भाई इसमें दिखा रखा तलवार वैसे ही नहीं, तलवार में कटाना वाली ले रखी है और फुल कांटा पीट के दबा गया बहुत ज्यादा, है ना, बहुत दिखा रखा। लेकिन भाई है ना साउथ पिक्चर में आजकल के लोगों को पसंद ही करते हैं। क्या अच्छा लगा देखने में और क्या अच्छा लगा कि उधर के मूवी में ये ज्यादा एक्शन दिखाते हैं, एक्शन ज्यादा दिखाते हैं, आजकल के लोग यही पसंद करते हैं, यही पसंद करते हैं। पहले के टाइम पे तो ऐसा था कि ज्यादा हाथ में चला, लेकिन आज के टाइम पे तो दे तलवार तो चलते भी जाकर क्या मजा आता है। तो आयोग से वीडियो चलो, लाइक करें, शेयर कमेंट करें, तो जय श्री राम।